हाँ कब चाहिए थी? सर आज की क्या रिपोर्ट है? कोरोना पॉजिटिव संख्या जो है वो कितनी बढ़ चुकी है? कल जो सैंपल भेजे गए थे उनमें से 19 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से अधिकांश वो लोग हैं जो प्राइमरी मरीज के प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे और उनको हमने क्वारंटाइन में किया हुआ है ताकि अन्य लोगों में और समाज के दूसरे लोगों में उनका संक्रमण ना हो। अच्छा, अब कितने हो चुके हैं सर अभी तक कुल इंदौर में पॉजिटिव मरीज की संख्या? इन्हें अगर जोड़ लिया जाए तो अभी 63 मरीज इंदौर जिले में पॉजिटिव पाए गए हैं। सर ये जो लगातार मिल रहे हैं इसका क्या रीज़न है? जो है ये एक दूसरे से मेल मिलाप उसका प्रमुख? निश्चित तौर पर जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो मरीज पॉजिटिव पाए गए थे उन्हीं के परिजन हैं और तो जो उनके साथ रहते थे प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से हमने इन्हें पहले ही खोज लिया था और खोजने के पश्चात इन्हें क्वारंटाइन कर दिया था ताकि यदि ये संक्रमित हो तो ये किसी और को संक्रमण ना फैलाए। सर अभी और कितने क्वारंटाइन हैं और कितनी रिपोर्ट्स ऐसी आने पर? हमारे पास अभी कम से कम 600 लोग टोटल हमने क्वारंटाइन अभी तक किए हुए हैं और उनमें से हम 400 लोगों का सैंपल भेज चुके हैं, तो अभी कुछ और रिपोर्ट्स आना बाकी हैं और वो सभी प्राइमरी और सेकेंडरी इनके कॉन्टैक्ट ही है। सर ये जितने क्वारंटाइन किए गए और जो पॉजिटिव मिल रहे हैं उनसे भी जो दूसरे अन्य होंगे उनकी भी सर्चिंग की जा रही है? जी, ये इसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं और जो लोग जिन जिन से लोगों से मिले हैं वो लोग किन किन लोगों से मिले हैं ये पूरा जानकारी लेके और उन लोगों की पूरी हिस्ट्री ली जाती है और उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। यदि उनमें किसी को भी लक्षण पाए जाएंगे तो उनकी भी जाँच की जाएगी और उनका भी सैंपल भेजा जाएगा। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की इस स्थिति में किसी को भी पैनिक पाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी और समझदारी का बर्ताव करें। एक बात जरूर ध्यान रखें कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करें, स्वयं को क्वारंटाइन में रखें जितने दिन का भी है, ये आपकी देश की समाज की भलाई के लिए ही है। और जो बेसिक नियम है सोशल डिस्टेंसिंग का या हाइजीन का सैनिटेशन का, उसका जरूर पालन करें।